हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी सॉल्यूशन। मेरा नाम ओम प्रकाश है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लूस्टैक में व्हाट्सएप पे कैसे हम अपने फाइल, फोल्डर, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स को से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊँ, सबसे पहले आप हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बटन और शेयर का जरूर ऑप्शन दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो है सबसे पहले आप अपना एक ब्लूस्टैक फोल्डर्स को कैसे हम डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये लेट्स जो, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा, वहाँ पे एक सिस्टम ऐप करके यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ रहा होगा, आइकन स्कैन आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे देखिए दोस्तों एक ओपन ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर मीडिया मैनेजर करके है, इस पर हम ओपन करते हैं। दोस्तों ये ओपन होगा, ये देखिए दोस्तों हमारे की नया इंटरफेस ओपन होता है। अब देखिए दोस्तों हम इस पर कैसे सबसे पहले आपको मैं इंपोर्ट करना सिखाता हूँ कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेजेस कुछ भी आया हुआ इसको कैसे हम अपने सिस्टम पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ एक व्हाट्सएप पे एक हमारी कोई फाइल आई हुई है, सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक जिप फाइल है, रार फाइल, इसे देखिए उसमें क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी दोस्तों। तो इसे हम कैसे अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं और कैसे हमारे इसको मालूम पड़ेगा हम कैसे इसे ओपन कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो आइए दोस्तों बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको मैंने बताया आपको ये मीडिया मैनेजर करके एक एप्लीकेशन है, इसे हम ओपन करेंगे। जहाँ पर आने के बाद ये देखना एक इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पर देखिए गैलरी, ऐप, मीडिया, इंपॉर्टेंट फाइल और हमारे पास एक एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, इस पर हम दोस्तों क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर को। मैं देखिए दोस्तों हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, एंड्रॉयड, व्हाट्सएप बिजनेस, GCIM, विंडोज़, बिल्कुल फ़ोन की तरह हमारा एप्लीकेशन होता है बिल्कुल। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस वर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे सारे ऑप्शन आए जैसा कि हमारे फ़ोन में आते हैं, व्हाट्सएप की जितनी भी डिटेल होती है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, यहाँ पर जितने से चीज़ शो कर रही है, वॉलेट पर, बिजनेस वॉइस नोट, ये देखिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस डॉक्यूमेंट का नाम से हमारा फोल्डर बन के आ रहा है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारे सारी चीज़ों जो हमारे पास व्हाट्सएप पे आई हुई चीज़ें हैं, जैसे कोई भी जितनी रार फाइल है, वॉइस मैसेज है, और ये हमारे पास ये देखिए एक ये रे हमारे से जो मैंने आपको जैसे कि मैंने दिखाया था आपको मैंने व्हाट्सएप पे, ये हमारी एक रार फाइल है जो मैंने आपको बताया जो हमारी ओपन नहीं हो रही। देखिए दोस्तों मैं यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ भी ओपन नहीं हो रही है। तो इसको ओपन करने के लिए हमारे को मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हम इसे सिस्टम में ला के इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इसको हमें इंपोर्ट करना होगा अपने सिस्टम में, तो वो हम कैसे करेंगे अब आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए लास्ट में बिल्कुल हमारे एक ऑप्शन शो कर रहा है एक्सपोर्ट टू विंडोज़, तो हम इस पर पहले क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे पास ये टिक मार्क का ऑप्शन बन के आ गया। तो जैसे दोस्तों जो भी हमारे को इंपोर्ट करना है उस पर टिक करके हम इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं मान लूँ जैसे ओके बताने वाले थे कि मैं हमें ये रार फाइल चाहिए, तो ये रार फाइल को मैं मैसेज इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों हमारे ऊपर टॉप कॉर्नर पर हमारा एक ऑप्शन ओपन एक्टिव हो चुका है, जैसे हम जैसे इस एक्सपोर्ट टू लिखा रहा था एक्सपोर्ट टू विंडो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमें दिखा रहा है कि हमें इसे इस फाइल को हमें कहाँ सेव करनी है, हमारे पास बताता है कि हमें कहाँ पर हमें इसे सेव करना है। तो दोस्तों मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहा हूँ, अगर जैसे मैं वहाँ पे चाहो तो मैं चाहो फोल्डर भी अपने क्रिएट कर सकता हूँ, फोल्डर में क्रिएट करके आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हैं। ओके दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है, मैं इसमें चाहता हूँ इसको सेव करना, जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे कि मैंने जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ये ओम, मैंने ओम के नाम से फोल्डर बनाया था, ये मैंने आप कुछ भी सर नाम दे सकते हैं अपने फोल्डर का। ये जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये रार फाइल मेरी जिप फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी ये हमारे यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारी इटमेंट्स हमारी है, ये हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों हमारे इसके अंदर इसमें क्या चीज़ अवेलेबल थी, हमारी कुछ इमेजेस थी, ये हमारी इमेजेस इसके अंदर ओपन हो रही है दोस्तों। तो ये तो सर ये तो हमारा ऑप्शन था कि हम इसमें कैसे अपनी व्हाट्सएप की डॉक्यूमेंट्स, फाइल, इमेजेस या कुछ एनीथिंग हमारे पास जो आती है उसे हम कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम अपने फाइल्स को
व्हाट्सएप पे भेजना हो क्या कुछ भी, हमें एनीथिंग हमें व्हाट्सएप पे भेजना हो तो उसे हम कैसे भेजेंगे? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक्सपोर्ट टू विंडोज़, हमारे को इस पर हम अपनी फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। अब हमें डेस्कटॉप से कोई भी हमें व्हाट्सएप पे हमें भेजना है थ्रू द ब्लू स्टैक। देखिए क्योंकि दोस्तों ऐसा, क्योंकि ये ब्लू स्टैक में ऑप्शन आया डायरेक्ट मैसेज कुछ भेजने का, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस है, हमें इसीलिए आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए अगर दोस्तों मैं जैसे दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया इंटरफेस ओपन हो रखा है, ये लास्ट कॉर्नर पर देखिए दोस्तों, जैसे एक्सपोर्ट टू विंडोज़ ये हमारा था कि हमें व्हाट्सएप से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करने के लिए, वैसे ही हमारे इम्पोर्ट फ्रॉम विंडोज़ हम यहाँ पे डेस्कटॉप से कोई भी चीज़ हमारे डेस्कटॉप अपने ड्राइव से व्हाट्सएप पे कोई भी फाइल भेजने के लिए हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये जैसे क्लिक करते हैं, ये देखिए ऐसे दोस्तों, जैसे हमने दिखाया था कि हमें इम्पोर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हुआ था कि हमें पास मांगता है कि कहाँ सेव करना, वैसे ही हमारे पास एक और इंटरफेस ओपन हो गया दोस्तों। ये हम यहाँ से हम अपनी कोई भी फाइल कुछ भी एनीथिंग हम कहीं से भी भेज सकते हैं। जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप से ही कोई भी फाइल अपने उठाता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको ये फाइल एक ओपन करी है मैंने अपनी, इसको मैं ओपन करता हूँ वहाँ पे। जैसे ओपन करूँगा देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुकी है फाइल हमारी। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले भी मैंने कुछ फाइल इंपोर्ट कर रखी थी जो कि हमारे यहाँ पे गैलरीज में मीडिया मैनेजर की गैलरी में आके सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ से दोस्तों कुछ भी अपने व्हाट्सएप पर हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो जैसे मैं इसको भेजना चाहता हूँ, जैसे इसे ओपन करूँगा ये व्यू हो जाएगी इमेज, इसे व्यू करते ही हमें से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा शेयर का, यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारे एक इंटरफेस ओपन हो गया है व्हाट्सएप बिजनेसेस में, एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है सेंड टू करके। अब हम किसी को भी सर भेज सकते हैं अपना, आप बस मैंने अभी इस पर्सन पे भेज दिया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बस टिक कर देंगे, देखिए दोस्तों हमारी इमेज आ चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, होप एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। होप सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।